34 साल पुराने रोड रेस के केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सख्त सजा सुनाई है। आपको बता दें कि सिद्धू के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देकर छोड़ दिया था। सिद्धू को अब या तो गिरफ्तार किया जाएगा या फिर वो खुद सरेंडर करेंगे। पंजाब पुलिस को इस मामले में कानून का पालन करना होगा। आपको बता दें कि सिद्धू के खिलाफ रोड रेस का मामला सन 1988 का है। सिद्धू का पटियाला में पार्किंग को लेकर एक 65 साल के बुजुर्ग के साथ झगड़ा हो गया था। आरोप है कि उस झगड़े में हाथापाई भी हुई, जिसमें सिद्धू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को मुक्का मारा था। बाद में उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त पर हत्या का मामला दर्ज किया था। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा। सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को सबूतों के अभाव बताते हुए सन 1999 में बरी कर दिया था। साल 2006 में हाई कोर्ट ने इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 3 साल की कैद और 1,00,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। हाई कोर्ट से मिली सज़ा के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1,000 का जुर्माना लगाकर सिद्धू को छोड़ दिया था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ अब मृतक के परिवार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। उनकी मांग है कि हाई कोर्ट की तरह सिद्धू को 304 IPC के तहत कैद की सज़ा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिस पर आज फैसला आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।